प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। और ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि शहर में मेट्रो के काम हो रहे हैं। मेट्रो के काम होने की वजह से प्रदूषण का लेवल और भी बढ़ा है। बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप सड़क में पैदल चल रहे हैं तो इसमें कोई वो दो राय नहीं कि आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर आप मास्क नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम आप रुमाल बांध लीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आप फॉलो कीजिए, अमल में लाइए। चूँकि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है वो ज़्यादा है, 400 के पार पहुँच चुका है। आमतौर पर अगर 100 भी पहुँच जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर तो 4 गुना ज़्यादा है। सांस के मरीजों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। शहर में मेट्रो के काम होने से प्रदूषण बढ़ा है। अगर आपके इलाके में मेट्रो का काम हो रहा हो तो ध्यान ये देना है कि अगर वहां से आप निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलें। फरमान अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे। फरमान, स्थिति तो बद से बदतर होती चली जा रही है। बिल्कुल राहुल, अगर हम देखें तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसी महीने में जो स्थिति है, क्योंकि अभी धुंध और कोहरा नहीं छाया है और प्रदूषण का जो लेवल है वो 4 गुना बढ़ गया है। जो 100 होना चाहिए मानक के अनुसार वो 400 पहुंच गया है। जाहिर है कि इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि जिस तरह से यहाँ पर मेट्रो का काम हो रहा है, इसके अलावा खुले में कई जगह ये भी देखा गया कि कूड़ा जलाया जा रहा है और उसके एहतियात नहीं किए जा रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रदूषण है, प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया आपका फरमान अब्बास, आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर यह है कि स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलट गया है। ऑटो सवार 10 बच्चियां घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। आदर्श इंटर कॉलेज की ये सभी बच्चे हैं।